वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबका फेवरेट टॉपिक लेके आया हूं, यानी कि KGF चैप्टर 2 एंड बीस्ट। भाई साहब वर्सेस वाला कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि यश भाई ने खुद ही बोल दिया कि भाई KGF चैप्टर 2 एंड बीस्ट है, KGF चैप्टर 2 वर्सेस बीस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के बाद हम वर्सेस को नहीं देखेंगे, एंड को ही लेके चलेंगे। तो दोस्तों वीडियो में हम देखने वाले हैं कि KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर एंड बीस्ट का ट्रेलर, कौन सा ट्रेलर ज्यादा आगे निकला है, क्यों टॉपिक डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों कल जब शाम को बीस्ट का ट्रेलर रिलीज किया गया था, तो ट्रेलर के नीचे भी बहुत ज्यादा कमेंट्स आए, मेरी वीडियो में भी बहुत ज्यादा कमेंट्स आए, और भी मैंने रिएक्शन देखे तो उनके भी नीचे वीडियोस में बहुत ज्यादा कमेंट आए कि यार बीस्ट का ट्रेलर जो है ना ये फाड़ू लेवल है, नो डाउट था। लेकिन साथ ये भी था कि यार ये ट्रेलर ना KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर को बीट करने वाला है, KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर को पीछे छोड़ने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या चल रही है, तो हम स्टार्ट से देखेंगे। तो देखिए दोस्तों आप सबको मैं बताता चलूं कि कल शाम को 6 बजे जैसे ही बीस्ट का ट्रेलर रिलीज किया गया, तो रिलीज होने के दोस्तों सिर्फ 5 मिनट के अंदर उस ट्रेलर पे 1 मिलियन व्यूज आ गए। नो डाउट दोस्तों बहुत बड़े व्यूज थे। जी हां, पहले 5 मिनट के अंदर 1 मिलियन व्यूज गेन कर पाना दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, इस पे कोई डाउट भी नहीं है। आगे चलते हैं, 1 आवर के अंदर बीस्ट के ट्रेलर पर दोस्तों 5 मिलियन व्यूज आ गए थे। 2 आवर्स के अंदर, फर्स्ट 2 आवर्स के अंदर दोस्तों बीस्ट के ट्रेलर पर 10 मिलियन व्यूज आ गए थे, और फर्स्ट 5 आवर्स के अंदर बीस्ट के ट्रेलर पर 15 मिलियन व्यूज आ गए थे। लेकिन बस अब दोस्तों फर्स्ट 5 आवर्स के बाद बीस्ट के ट्रेलर पर 15 मिलियन व्यूज आ गए थे, और अभी बीस्ट के ट्रेलर को आए हुए ऑलमोस्ट 20 आवर्स तो हो गए हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 20 आवर्स गुजर ही चुके होंगे, और ऑलमोस्ट दोस्तों अभी तक बीस्ट के ट्रेलर पर जो टोटल व्यूज आए हैं वो आए हैं दोस्तों 27 मिलियन। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 28-29 मिलियन व्यूज हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों खुद सोचिए, फर्स्ट 5 आवर में 15 मिलियन व्यूज थे, और आगे 15 आवर्स में, नेक्स्ट 15 आवर्स में कुछ ही मिलियन व्यूज गए हैं, और टोटल 27 मिलियन व्यूज हुए हैं। अब जो लोग यहाँ पे ये बात करेंगे कि यार बीस्ट का ट्रेलर सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज में रिलीज हुआ है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल आपकी सोच है, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जो हर बंदा नहीं समझ पाता। अब देखिए ना दोस्तों, मैंने बीस्ट का ट्रेलर हिंदी में देखना था, हिंदी में नहीं आया तो मैंने तमिल में देखा, तो ऑफकोर्स मैं एज अ तमिल वाली ऑडियंस हो गई हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिन्होंने हिंदी में देखना था, मलयालम में देखना था, तेलुगु में देखना था, कन्नड़ा में देखना था, उन्हें वो लैंग्वेज ही नहीं मिली, तो उन्होंने जाके इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल में देखा। अगर दोस्तों सारे के सारी लैंग्वेजेस में ट्रेलर आता तो अभी तमिल मींस के इसकी जो 27 मिलियन व्यूज आए हैं, ये 27 मिलियन व्यूज ना होते, और ना ही फर्स्ट आवर के अंदर मींस के फर्स्ट 5 मिनट के अंदर 1 मिलियन व्यूज जाते, और फर्स्ट आवर के अंदर 5 मिलियन व्यूज जाते। मेरी बात को समझ, यहाँ पे मैं ज़रा भी हेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग कल कह रहे थे कि बीस्ट का ट्रेलर KGF चैप्टर 2 से आगे निकल जाएगा, तो भाई साहब हो ही नहीं सकता यार, KGF इमोशन है भाई साहब, इमोशन वो एक ऐसी चीज है जो एक नेक्स्ट लेवल चीज है, जिसका कोई भी मुकाबला ही नहीं है, उसके साथ कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। KGF चैप्टर 2 एक ऐसी चीज है, वो नेक्स्ट लेवल चीज है। उसके तो दोस्तों फर्स्ट 17 आवर्स के अंदर पता नहीं 100 मिलियन के आसपास व्यूज हो गए थे ऑलमोस्ट, और फर्स्ट 24 आवर में 1109 मिलियन व्यूज हो गए थे। तो अगर आपने, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आपने बीस्ट के जितने भी मेकर्स हैं, अगर आप अपनी मूवी को 13 अप्रैल को लेके आ रहे थे KGF चैप्टर 2 के साथ, तो सही तरह से मुकाबला करते ना। 5 के 5 लैंग्वेजेस में KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर को रिलीज किया जाता, एक एज अ पता तो चलता ना यार कि वाकई कोई मूवी बीस्ट टक्कर देने आ रही है। अब देखिए ना दोस्तों, मैं आपको यहाँ से गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बीस्ट मूवी सिर्फ और सिर्फ तमिल लैंग्वेज में चलेगी, अदर ये हर जगह पर नहीं चलेगी। हिंदी में इवन के इस फिल्म की इतनी अच्छी कलेक्शन नहीं होंगी। हाँ, कल अगर ये लोग बीस्ट के ट्रेलर को 5 की 5 लैंग्वेजेस में रिलीज करते, तो जिस तरह का ट्रेलर था ना, फाड़ू लेवल का, मैं खुद कहता हूं ट्रेलर नेक्स्ट लेवल था, और जिस तरह से ट्रेलर पे व्यूज आए हैं, ट्रेलर ने रिकॉर्ड बना जाना था। लेकिन एक लैंग्वेज में रिलीज करके क्या आप देखना चाह रहे हो भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
और रही बात की जब चैप्टर टू के ट्रेलर की, तो अच्छे अच्छे खासे आ जाएंगे बाद में भी, हिस्ट्री में भी मीन्स के फ्यूचर में भी आ जाएंगे, लेकिन केजीएफ चैप्टर टू के ट्रेलर का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसा अब इमोशंस बन चुके, बेसिकली लोग इसे मूवी समझ ही नहीं रहे, लोग इसे एक पार्ट ऑफ लाइफ समझ रहे हैं भाई। लोग कह रहे हैं कि ये तो इमोशन है, मैंने देखना ही देखना है चाहे जो मर्जी हो जाए। कुछ लोग तो मेरे भाई लोग दोस्त थे कह रहे थे पैसे ना भी हुए मांग के चले जाएंगे किसी से, लेकिन केजीएफ चैप्टर टू देख के आएंगे। तो खुद सोच सकते हैं कि आपका इस मूवी का क्रेज कितना बढ़ चुका है। और दोस्तों अभी जब फर्स्ट 24 आवर्स के बाद की रिपोर्ट आएगी बीस्ट के ट्रेलर की, किस पे इतने व्यूज आए, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि फर्स्ट 24 आवर में बीस्ट के ट्रेलर पर कितने व्यूज आए हैं। लेकिन अभी तक यही वीडियो थी और आपको आपके साथ शेयर करना था कि जो लोग कह रहे हैं कि बीस्ट का ट्रेलर केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर को बीट कर देगा, तो भाई साहब पैदा ही नहीं हुआ अभी तक कोई ऐसा ट्रेलर, जन्म ही नहीं लिया आपकी लैंग्वेज क्या बोलते हैं, जन्म ही नहीं लिया कि जो ट्रेलर केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर को बीट कर पाए, वो एक इमोशन है भाई। तो खैर दोस्तों यही था मेरा ओपिनियन, जहाँ पे मेरा कोई भी हेट वाला सीन नहीं था। अब जो लोग कहेंगे कि तू केजीएफ चैप्टर 2 की तरफ है, भाई साहब मैंने खुद कल बीच के ट्रेलर की इतनी तारीफ की क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा, और इवन के मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने इतना केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर नहीं देखा होगा जितना मैंने बीच का ट्रेलर देखा है, क्यों मुझे पसंद आ गया। लेकिन फिर भी केजीएफ चैप्टर 2 के साथ ट्रेलर के साथ कंपेयर करना, बीट कर पाना थोड़ा सा नीचे रहा। यही थी अभी तक की छोटी सी वीडियो, आपसे वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अल्लाह हाफिज़।